नर्मदापुरम में प्रकृति से जुड़ने पर जीवन में बदलाव, सेंट्रल जेल के कैदी और विचाराधीन बंदियों को प्रकृति से जुड़ने के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया है। सेंट्रल जेल के बंदियों को पर्यावरण मित्र बनने के बाद उनकी सोच बदलने लगी है। जेल प्रबंधन ने अधिकारियों का कहना है कि बंदी प्रकृति के करीब रह रहे हैं, पौधे को बनाने में यह व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में उनका मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आने लगे हैं। उनकी सोच बदलने से उनके जीवन में भी अलग बदलाव आने लगे हैं। सेंट्रल जेल के दोनों खंडों में 500 कैदियों बंदियों को पर्यावरण मित्र बनाया गया है। रोजाना जेल के कैदी चार दीवारी के अंदर ही पौधे को तैयार कर रहे हैं। इस तरह हजारों पौधे तैयार हो गए हैं। इन्हें जेल प्रबंधन सस्ती दरों पर शासकीय कार्यालय, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन को उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय जेल में विश्व योग दिवस से 50,000 पौधे तैयार करने की शुरुआत की गई है। इसके तहत हर बंदी को 100 पौधे तैयार कर उनकी देखभाल कर रहा है। रोजाना दोनों जेलों में आंवला, नीम, सीताफल, मुनगा, बांस, बेल, नीम, अमरूद के 50,000 पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। संरक्षण मिल रहा है। मेरा नाम मनोज गिरी गोस्वामी है, पिताजी श्री बदामी गिरी गोस्वामी। यहाँ लगभग 2014 से सजा पड़ी है, जब से मतलब यहीं पे कार्यरत हैं हम। और नर्सरी का काम मतलब पूरा सीख लिया है और पौधारोपण वगैरह करते हैं। लगभग कितने पौधे अब तक बना चुके हैं आप? अभी तक करीबन करीबन 20 से 25 हज़ार तक के पौधे हमने तैयार कर दिए हैं, मतलब 2014 से अभी तक। और आगे अभी जैसे जैसे टारगेट मिलता जाता है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ पर आप सप्लाई करते हैं, इनको कहाँ देते हैं इन पौधों को? ये तो सर यहाँ से भी देखते रहते हैं, और सरकारी जो मतलब विभाग हैं उनमें जाते हैं अधिकतर, और सस्ते दामों पे जाते हैं सर ये। क्या बदलाव आएगी? इससे सर हमारा जीवन मतलब अच्छा हो गया है, हम इसमें व्यस्त रहते हैं, फालतू की बातें हमारे मतलब मन में नहीं आती और काम में लगे रहते हैं तो अच्छा लगता है। पौधे बना चुके हैं अभी तक? जी, ये 2021 में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए पर्यावरण को लेकर, जिसमें हमारे बंदी भाई पार्टिसिपेट करें। तो करीब हमने पर्यावरण मित्र नाम की से बंदियों को एक जेल में रजिस्ट्रेशन किया और करीब 500 बंदियों को इससे जोड़ा गया। प्रयास है कि एक बंदी कम से कम 100 पौधे लगाए और उनको रोपित करके संरक्षण दे, तैयार करे। तो इस तरीके से करीब 60,000 पौधों का एक अभियान हमने चालू किया। इसमें लगभग अभी 35,000 के लगभग पौधे निर्मित भी हुए हैं। इसमें सीताफल, मुनगा, आंवला, अशोक, कटंगी बांस और कई 100 प्लांट पौधे तैयार करने का प्रयास किया गया। इसी के साथ गमले जो कलरफुल होते हैं और जिसमें कुछ बाग गुफाओं से भी प्रेरणा ली गई, ऐसे भित्ति चित्र बनाकर गमले बनाने का भी प्रयास किया गया। और कैंपस में भी जगह जगह इनको शो किया गया है।